अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स के नोट 7 को लेकर। अब दोस्तों इस पर मैंने पहले भी जो है एक दो वीडियोस बनाई हैं, लेकिन बहुत से लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं एंड कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो सारी कन्फ्यूजन्स दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है मैं दूर करने वाला हूँ। और वीडियो दोस्तों जो है आपने एंड तक वॉच करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप इनको सब्सक्राइब करके सामने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इन्फिनिक्स ने अपनी ये सीरीज़ इंट्रोड्यूस क्यों की, क्योंकि इन्फिनिक्स के पास तो ऑलरेडी ऐसे स्मार्टफोन्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बजटेबल थे और वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जो है और सेलिंग मॉडल भी थे। बेसिकली दोस्तों जैसे कि आपको पता है सैमसंग में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ देखने को मिल जाती है, सैमसंग नोट एंड सैमसंग एस की सीरीज़, उसके बाद सैमसंग ए की सीरीज़। अब बेसिकली इन्फिनिक्स की जो एस सीरीज़ थी और जो हॉट सीरीज़ थी उसको लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। अब ये तो नहीं हो सकता कि इन्फिनिक्स जो है अब इन दो सीरीज़ को लेकर अपने जो है स्मार्टफोन्स को मुसलसल जो है इंट्रोड्यूस करती जाए, इसीलिए दोस्तों इन्फिनिक्स ने अपनी एक अलग किस्म की सीरीज़ जो है वो उसने इंट्रोड्यूस की है और जिसमें काफ़ी डिफरेंट लोगों डिज़ाइन हमें देखने को मिला है। बेसिकली दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 एंड नोट 7 लाइट दो वेरियंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं नोट 7 को लेकर। तो यहाँ दोस्तों जो आपको इनोवेशन देखने को मिल जाती है इन्फिनिक्स की तरफ से, तो बैक पर आपको जो है सर्कुलर शेप में कैमरास प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि एक फ्लैगशिप डिवाइसेस में आपको देखने को मिल जाते हैं। बैक पर आपको जो है क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर आपको जो है पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके बदले दोस्तों अगर हम इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट की बात करें तो वहां पर दोस्तों बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर जो डिजाइन है वो चेंज है। बैक पर जो कैमरास का सेटअप दिया गया है वो आपको रेक्टेंगुलर शेप में प्रोवाइड किया जाएगा और वहीं पर आपको जो है पंच होल कैमरा फ्रंट में दिया जाएगा। अब बेसिकली दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में जो कैमरा मेगापिक्सल है वो बिल्कुल आपको सेम दिया जाएगा, 48 मेगापिक्सल का कैमरा दोनों स्मार्टफोन्स में आपको जो है दिया जाएगा। फ्रंट की बात करें तो इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको जो है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा एंड नोट 7 लाइट में आपको जो है 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के चिपसेट को लेकर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको जो है हीलियो G70 का चिपसेट प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही में 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टाकोर का प्रोसेसर प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी साइड अगर हम बात करें तो इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट में आपको जो है हीलियो P22 का चिपसेट प्रोवाइड किया जाएगा 2.0 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टाकोर के प्रोसेसर के साथ। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के रैम वेरिएंट को लेकर। तो दोस्तों जो इन्फिनिक्स का नोट 7 है उसमें आपको जो है 6GB रैम एंड 128GB मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी एंड इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट में आपको जो है 4GB रैम एंड 64GB मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी। दोनों ही स्मार्टफोन में दोस्तों आपको जो है 5000mAh की बिगर बैटरी प्रोवाइड की जाएगी एंड इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको जो है 18V का फास्ट चार्जिंग का फीचर प्रोवाइड किया जाएगा एंड नोट 7 लाइट में जो है आपको 10V का फास्ट चार्जिंग का फीचर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। अब दोनों ही स्मार्टफोन जो है आउट ऑफ बॉक्स आपको जो है एंड्रॉयड 10 के साथ देखने को मिल जाएंगे। अब बेसिकली दोस्तों जो इन्फिनिक्स नोट 7 है एंड नोट 7 जो लाइट है ये इसका लो वेरिएंट भी आप इसे कह सकते हैं, एक लाइटर वेरिएंट है एंड काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बजटेबल स्मार्टफोन है दोनों। अब जो इन्फिनिक्स का नोट 7 है वो आपको पाकिस्तानी मार्केट में जो है 34,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा एंड नोट 7 लाइट जो है वो आपको 29,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली दोस्तों इन्फिनिक्स के ये जो मॉडल इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये प्राइस में थोड़े ज़्यादा हैं। अब इन्फिनिक्स के काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्मार्टफोन्स भी थे जो कि बजटेबल थे, हॉट की सीरीज़ होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा बजटेबल है, हर इंसान जो है आसानी से उन स्मार्टफोन को जो है परचेज़ कर सकते हैं और लोगों डिज़ाइन को लेकर तो जो है वो स्मार्टफोन जो है काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के थे। अब बेसिकली इन्फिनिक्स ने काफ़ी ज़्यादा बजटेबल स्मार्टफोन जो है इंट्रोड्यूस कर दिए थे जिसकी वजह से इन्फिनिक्स अब जो है इन्फिनिक्स नोट की तरफ अपना ट्रैक को जो है ले गया है एंड इस ट्रैक पे दोस्तों आपको जो है थोड़ी एक्सपेंसिव डिवाइसेस जो है वो देखने को मिल जाएंगी। अब ये डिवाइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर्स जो है प्रोवाइड करती हैं एंड आई होप दोस्तों इन्फिनिक्स के ये जो अपकमिंग मॉडल हैं ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हॉट सेलिंग रहेंगे। अब ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको कैसे लगे आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन जो है खुलते हैं तो ये स्मार्टफोन जो है लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि इनके दोस्तों जो ऑफिशियल कन्फर्मेशन है वो आ चुकी है एंड स्मार्टफोन जो है वो ऑफिशियल हो चुके हैं एंड लॉकडाउन के बाद दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है फाइनली रिलीज़ हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।